अब जो बैग्स हैं 25-2500 3-3000 4-4000 रुपए के बैग्स हैं यहाँ पे, 1000, 1200, 1300, 1500 इस हिसाब से चीजें मिल जाएंगी। सिंगल पेन जी 8.5 रुपए का हम देते हैं, पड़ता है। और रिटेल पे कुछ और पड़ेगा, रिटेल में तो 20 रुपए का एक पेन है, 200 रुपए का पैकेट है। इच्यू बहुत कॉमन है और हर बंदा इस्तेमाल करता है, बच्चों में बहुत चलती है, हर लिस्ट में इसका जिक्र होता है। तो अब एक ये नॉर्मल सा आइटम है, ये हम देते हैं यहाँ पे 540 रुपए का, और यही आप अगर रिटेल से खरीदते हैं तो आपको 800, 750, 700 का मिलता है। और ये नॉर्मली आपको मार्केट में 15-20 रुपए का मिलता है, हमारे पास 10 रुपए की यार, हमें तो 15-20 रुपए में भी नहीं मिलता ना। हमारे पास 10 रुपए इसका रेट है, और ये वाला शॉर्पनर हमारे पास 4-4.5 रुपए का मिलता है। जो आप लेंगे ये आपको 2.5 रुपए का पड़ता है, 2.5। ये भी काम करता है, कारामत है, बिल्कुल सही और पक्का रबड़ है। असल में सस्ता होने की वजह से लोग समझते हैं कि घटिया क्वालिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास खड़े हुए हैं, यहीं से पूरे पाकिस्तान में और पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह माल डिस्ट्रीब्यूट होता है। कितने का पैकेट है ये आपको पड़ेगा 270 का। अच्छा, मार्केट में अंदाजन 500 कुछ समथिंग का होगा रिटेल पे। जी रिटेल में 500 डबल हो गया है जी। मार्केट से लेंगे आपको 25 रुपए या मिनिमम अगर कोई देगा तो 20 रुपए की देगा, यानी कि 240 का एक पैकेट पड़ता है, और हम यहाँ पे 145 का एक पैकेट देते हैं। अपने घर में बच्चों के लिए कवर चढ़ाने हैं ना, तो भाई शीट्स की सबसे बड़ी होलसेल दिखा रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। 180 रुपए दर्जन मिल रहे हैं यार, यहाँ पे 70 रुपए दर्जन मिल जाएंगे यार। ये आपको होलसेल में कर रहे हैं 230 का, जब 230 रुपीज का आप दे रहे हैं, 230 का हम दे रहे हैं, जबकि मार्केट में अगर आप लेते हैं तो 320-330 रुपए का आपको इजीली। हाँ, इससे ऊपर भी मिल जाते हैं भाई। ये आपको पड़ती है 550 रुपए का जार। अच्छा, मरकरी का। जी मरकरी का। और ये बाहर कितने का पड़ेगा? यानी कि इसमें 11 रुपए की पेंसिल पड़ रही है आपको। अच्छा, हैमर बना हुआ है, हैमर वाली। रबड़ भी अच्छा है, पेंसिल भी अच्छी है, फाइन क्वालिटी। बाहर कितने का पड़ेगा? बाहर ये 25 रुपए की एक पेंसिल बिकती है। वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है भाई। जिस तरीके से स्कूल के एडमिशन हो रहे हैं बच्चों के, बहुत ज्यादा अभी सिलसिला ये चल रहा है कि ज़्यादातर स्कूल्स के एडमिशन्स ऑन है, तो परचेजिंग हो रही है स्टेशनरी की, बुक्स की, बाइंडिंग की। तो सिलसिला ये है कि हम आपको चीपेस्ट मार्केट दिखा रहे हैं, जहाँ से आप अपने सपोज करें अगर 10,000 रुपये का कोर्स है बच्चे का, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3,000 ऑफ में मिल जाएगा। अब जो बैग्स हैं 25-2500 3-3000 4-4000 रुपये के बैग्स हैं यहाँ पे, 1000, 1200, 1300, 1500 इस हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। तो वीडियो बनाने की वजह यह है कि हम आपको चीपेस्ट स्टेशनरी, बैग्स, बाइंडिंग, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप अपना पैसा बचा सकें और जो रिटेल पे चीज़ें मिलती हैं आप वो होलसेल पे उस जगह से ले सकें जहां पे ये चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो आ जाएं, एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको कि उर्दू बाज़ार में चीज़ें कैसी मिलती हैं और चीज़ें कितनी सस्ती हैं, जो कि आपको नहीं पता, और रिटेलर और आपको रिटेलर किस तरीके से लूटता है या कितनी महंगी चीज़ें देता है, या स्कूल वाले कितनी महंगी चीज़ें दे देते हैं, वो चीज़ें आप उर्दू बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो आज वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कुछ आइटम दिखा देता हूँ जो हम होलसेल कर रहे हैं, जो आपको मार्केट में महंगी मिलती है नॉर्मली। ठीक है, जैसे अब एक बॉल पेन का पैकेट है, ये आप नॉर्मली मार्केट से लेते हैं तो ये आपको 20 रुपए का एक बॉल पेन मिलता है। हाँ, मिलता है। ठीक है, और ये हम यहाँ पे 8.50 रुपए का दे रहे हैं। नहीं करोगे? होलसेल कर रहे हैं इसमें, किसी भी कलर में, ब्लू, ब्लैक, 8.50 रुपए का। यार इतना फर्क? जी इतना फर्क होता है तकरीबन 12.5 रुपए। सिंगल पेन जी 8.50 रुपए का हम देते हैं। सपोज करें डब्बा कितने का है? पूरा डब्बा 85 का पड़ता है, और बाहर 10 बाहर आप लेंगे तो 140 रुपए का पड़ेगा, तकरीबन 14 रुपए का एक पेन पड़ता है। और रिटेल पे कुछ और पड़ेगा? रिटेल में तो 20 रुपए का एक पेन है, 200 रुपए का पैकेट है। यहाँ पे आप हमारे पास 85 डिफरेंस देखें। एक ही आइटम है, UHU, बहुत कॉमन है और हर बंदा इस्तेमाल करता है, बच्चों में बहुत चलती है, हर लिस्ट में इसका जिक्र होता है। तो अब एक ये नॉर्मल सा आइटम है, ये हम देते हैं यहाँ पे 540 रुपए का, और यही आप अगर रिटेल से खरीदते हैं तो आपको 800, 750, 700 का मिलता है। माय गॉड, और यही पीस पे 300 रुपए जी ऑलमोस्ट। और यही जो बाहर होलसेलर्स दे रहे होते हैं वो आपको तकरीबन 600-650 रुपए का मार्जिन रख के दे रहे होते हैं। हम जो होलसेलर को देते हैं वो 540 में देते हैं। जबरदस्त। इसमें आपके पास छोटे वगैरह भी मौजूद हैं? तमाम साइज इसमें अवेलेबल है हमारे। ये शॉर्पनर है, अब ये एक सिल्वर शॉर्पनर है, कलर शॉर्पनर है, तो ये नॉर्मली आपको मार्केट में 15-20 रुपए का मिलता है। हमारे पास 10 रुपए की यार, हमें तो 15-20 रुपए में भी नहीं मिलता ना। हमारे पास 10 रुपए इसका रेट है, और ये वाला शॉर्पनर हमारे पास 4-4.5 रुपए का मिलता है, जो कि आपको नॉर्मली 40 रुपीज का मिलता है। ये कितने का? ये 10-15 रुपए का इसकी रिटेल होती है, और इससे कम में अगर जाते हैं तो हमारे पास इससे कम वाले शॉर्पनर भी मौजूद है, जो की 3 रुपए तक में आ जाते हैं, जो कि सस्ते इलाकों में। कितने का पड़ेगा शॉपनर्स का? ये वाला पूरा बॉक्स होता है 250 का। 250 का 50 शॉपनर है, तकरीबन 5 रुपए का पड़ता है। और ये वाला शॉपनर जो है इसमें 72 शॉपनर है, और ये पक्का शॉपनर है, ये नहीं है कच्चा या खराब या पेंसिल को खराब करेगा, ऐसा नहीं है।
बिल्कुल अच्छा शॉपनर है और ये आपको पड़ेगा ढाई रुपए का, 3.5 साढ़े तीन रुपए का एक शॉपनर पड़ेगा भाई। अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। ये देखें अभी हमारे पास जो है ये इरेजर है, ये कलरफुल इरेजर है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे लाइक करते हैं कलर्स को। तो उसमें आप ये देखें ये वाला जो इरेजर है ये 3 रुपए का पड़ता है, ये 3.5 रुपए का जार में लेंगे तो 3.5 रुपए का पड़ेगा। यही मार्केट में आप लेते हैं तो 5 रुपए 6 रुपए ये इनकी रिटेल प्राइस है। ओके। और ये वाला आप लेंगे ये आपको 2.5 रुपए का पड़ता है, 2.5। ये भी काम करता है, कारामत है, बिल्कुल सही और पक्का रबड़ है। असल में सस्ता होने की वजह से लोग समझते हैं कि घटिया क्वालिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास खड़े हुए, यहीं से पूरे पाकिस्तान में और पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह माल डिस्ट्रीब्यूट होता है। कितने का पैकेट है ये आपको पड़ेगा 270 का। अच्छा, मार्केट में अंदाजन 500 कुछ समथिंग का होगा रिटेल में। जी, रिटेल में 500 डबल हो गया है। जी, ऑलमोस्ट तकरीबन 50% का मार्जिन होता है। इसके अंदर 100 पीस है। अच्छा भाई, पेंसिल्स आ गई हैं। अच्छा ये देखें आप, ये पेंसिल वो है जो आप बचपन से यूज कर रहे हैं और कोई नहीं आपने कर हमारे हमने और हमारे वालिद ने भी शायद ये यूज करी होगी। ठीक है ना, ये वो पेंसिल है। अब ये नॉर्मली आप मार्केट से लेंगे आपको 25 रुपए या मिनिमम अगर कोई देगा तो 20 रुपए की देगा, यानी कि 240 का एक पैकेट पड़ता है। और हम यहाँ पे 145 का एक पैकेट देते हैं। 145 का मतलब है कि 12 रुपए की एक पेंसिल पड़ गई, गोल्ड फिश की, इस पे ब्रांड लिखा हुआ है। अब ये 12 रुपए की एक पेंसिल पड़ रही है जबकि मार्केट में रिटेल हो रही है 240 और 300 रुपए की। ठीक है, इतना मार्जिन होता है। इस तरीके से कॉपीज पे कवर चढ़ रहे हैं ना, तो भाई हमारे पास ये देखें ये यहाँ पे ये चीजें मौजूद है, कवर्स वगैरह। अब मार्केट में 180 रुपए दर्जन तक चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये नॉर्मली इस तरह चलता है कि 20 रुपए की एक शीट कहलाती है। अच्छा, तो ये इसमें ये मोटी शीट है। हाँ, ये वाली मोटी शीट है, ये आपको 30 रुपए की एक शीट होती है, 180 रुपए की 6, और ये पतली वाली शीट है ये 120 रुपए की 6। 120 रुपए की 6, ये मार्केट रेट है। हमारे पास ये वाली मोटी वाली पतली वाली आपको मिलेगी 35 की 6 और मोटी वाली 60। मतलब दर्जन मुझे अगर बता दें दर्जन क्या हिसाब होगा? ये मोटी वाली का 120 की 6, 120 की दर्जन हो गई। ठीक है, और ये 70 रुपए दर्जन है। यार पतली वाली भी कोई पतली तो नहीं है, इतनी आराम से इजीली चढ़ सकती है? बिल्कुल इजीली चढ़ती है, तभी लोग लेके जाते हैं, ऐसा मसला नहीं होता। वेरी गुड। 70 रुपए दर्जन ये वाली, 70 रुपए दर्जन ये वाली, 120 रुपए दर्जन। ठीक है, मतलब इसमें भी कमी 70-65 कुछ हो जाएगा इसमें? नहीं, इससे हमारे रेट्स फिक्स होते हैं, लेकिन इसमें होता ये है कि एक शीट में 2 कॉपियां होती हैं। अच्छा, यानी कि ये 12 शीट आप लेंगे तो 24 कॉपियां कवर करेगा। तो भाई मैं कहता हूँ कि अगर आपको अपने घर में बच्चों के लिए कवर चढ़ाने हैं ना, तो भाई शीट्स की सबसे बड़ी होलसेल दिखा रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। 180 रुपए दर्जन मिल रहे हैं यार, यहाँ पे 70 रुपए दर्जन मिल जाएंगे यार। ये तो मतलब कोई क्लास की जगह है ये, यहाँ पे सारी चीजें सस्ती हैं भाई। ठीक है, अच्छा भाई कलर की जरूरत पड़ती है भाई? बिल्कुल, ये कलर देख लें, ये डियर कंपनी के हैं, ये हमने पेंसिल शेप के कलर बचपन से देख रहे हैं हम। ठीक है, और यूज भी कर रहे हैं। अब इसमें 3 वैरायटी आती है, एक 12 कलर ये वाला, एक 18 कलर और एक ये 24 कलर। ठीक है, ये 24 कलर हम आपको होलसेल में कर रहे हैं 230 का। 230 रुपीज का आप दे रहे हैं? 230 का हम दे रहे हैं, जबकि मार्केट में अगर आप लेते हैं तो 320-330 रुपए का आपको इजीली। हाँ, इससे ऊपर भी मिल जाते हैं भाई। इसी तरह ये 12 कलर वाला हम आपको दे रहे हैं 130 का। ठीक है, ठीक है, और यही मार्केट में आप लेते हैं 200 रुपए का मिलता है कम से कम। और ये इसी तरह 18 कलर वाला हम आपको दे रहे हैं 180 रुपए का। अच्छा, और यह मार्केट से लेते हैं 300 रुपए का, 300-280-270 इस तरह। तो भाई देख लें कलर्स में भी बहुत वैरायटीज हैं, और दूसरे एक प्राइस आप देख लो भाई के, मतलब आधे आधे प्राइस हैं, तो कलर्स में भी आपको अच्छी खासी वैरायटीज भी मिलेंगी। आप कोई से भी कलर्स उठा सकते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, इन सब में डिस्काउंट का सरसरी तौर पे मैंने आपको बता दिया है। बाकी नंबर पे आप चीजें पूछ सकते हैं। तरह की पेंसिल्स वगैरह भी मौजूद है यहाँ पे, सारी ये ऐसे ऊपर से दिखा हुआ है, जार वाली सारी रेंज लगी है। ये देखें सर, आप बोलते चल जाए मैं लेता चल जाता हूँ। ये जार वाली रेंज है सारी, ये देखें, ये माय पेंसिल वगैरह के जार है, ये ओरो कंपनी के जार है, ये डियर के, डक्स के, डॉलर के, ये गोल्ड फिश के, और उधर अलग लगे हुए डॉलर वगैरह के। इसी तरह ये फैंसी जार लगे हुए बड़े रबड़ वाली पेंसिल। फैंसी के एक दो रेट्स बता दें। अच्छा, इसमें ये देखें सबसे मुनासिब जो पेंसिल होती है वो ये मरकरी की होती है, ये आपको पड़ती है 550 रुपए का जार। अच्छा, मरकरी का? जी, मरकरी का। और ये बाहर कितने का पड़ेगा? यानी कि इसमें 11 रुपए की पेंसिल पड़ रही है आपको। अच्छा, हैमर बना हुआ है, हैमर वाली, रबड़ भी अच्छा है, पेंसिल भी अच्छी है, फाइन क्वालिटी। बाहर कितने का पड़ेगा? नहीं, बाहर ये 25 रुपए की एक पेंसिल बिकती है। यहाँ 12 रुपए की, यहाँ 11 रुपए कुछ पैसे, 11 रुपए कुछ पैसे की है भाई। तो डिफरेंशिएट आप देख लें, ये वाली पेंसिल आपको पड़ती है तकरीबन 7.5-8 रुपए। वाह भाई, और यही मार्केट से आप लेते हैं 25 रुपए की एक पड़ती। कितने का पड़ेगा, कितनी होगी? ये पूरा बॉक्स आपको 450 रुपए का पड़ता है। बच्चों की बर्थडे है और कुछ ओकेजन है तो आप बूटी बैग वगैरह बनाते हैं लोग, उसके लिए चाहिए होती है।
तो भाई सरसरी तौर पे आपको ये चीजें दिखा दी हैं, तो आप इजीली यहाँ से परचेज कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह सारी चीजें मौजूद है। अच्छा भाई कस्टमर आए हैं, अभी हम इनसे पूछते हैं भाई ये आपने क्या चीज ली है? मोटा परमानेंट मार्कर है। मार्केट बताएं और यहाँ पे मार्केट घूमकर ही आया। मार्केट में 60-70 रुपए का होता है, यहाँ पे 20 एक पीस, यहाँ 40 रुपए का पड़ रहा है, 480 रुपए का डब्बा। मतलब कि यार एक सिंगल पीस, सिंगल पीस अभी ये मेरी जो अभी यहाँ से जो लिया है 40 का पड़ रहा है, तो मार्केट में 60-70 रुपए का। और इसमें कितने पीस होंगे? 12 पीस है। अबे यार 240 रुपए का फर्क हो गया, 240 रुपए का फर्क हो गया। एक डब्बा लेने पे इतना फर्क है, तो आप अगर बच्चों की शॉपिंग करते हैं पूरी तो क्या फर्क मिलेगा यार, जबरदस्त।